पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। आप उन महिलाओं का दर्द समझिए। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बनकर के हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस मां बाप पे? फिर वो क्या कहेगी उसके लिए जो जिद पे है कि नहीं हम तो पिलाएंगे। असल में अरविंद केजरीवाल को हाय लगी है उन दिल्ली की माताओं की जिनके बेटों को शराबी बनाने के लिए इन्होंने सारे उपक्रम कर दिए। अभी जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी कहे उसकी एक एक कड़ी को जोड़िए। अरविंद केजरीवाल आए तो थे अलग रूप में, लेकिन आज ऐसे रूप में दिख रहे हैं कि दिल्ली और हम भारतीय जनता पार्टी को व्हाइट पेपर लाना पड़ेगा इसके शराब घोटाले के ऊपर। एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस पे व्हाइट पेपर लाएंगे। लेकिन मूल समस्या, एक तो दिल्ली को लूटा, ऊपर से पता चलता है कि 25 करोड़ 26 करोड़ अपने शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए खजाने से दे दिया। आज भी मैं देख रहा हूं, जब वीरेंद्र भाई साहब अपनी बात कह रहे थे तो मैं ये न्यूज पढ़ रहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट स्पेंड 25.25 करोड़ एज लॉयर्स फी टू फाइट इट्स केस इन लीकर स्कैम। ये आज का समाचार है, आई एम नॉट नेमिंग द मीडिया एजेंसी, आप पता कर लेंगे। इंफॉर्मेशन है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो उसके बाद 100 करोड़ रुपए और चाहिए इनको केस लड़ने के लिए, पच्चीस करोड़ अगर इस दिल्ली में दे देते तो हमारे न जाने कितनी गलियों में जो टॉयलेट का पानी गली में बह रहा है वो ठीक हो सकता था। आप आशीर्वाद मांग रहे हैं आप लोग दिल्ली की जनता से, जब दिल्ली की जनता अपने घर का नल खोलेगी और उसमें गटर का पानी आएगा वो आपको आशीर्वाद देगा कि आपको श्राप देगा? काहे नहीं समझ रहे हो आप लोग कि हुआ क्या है? माताओं का श्राप लगा है, गली में रहने वाले लोगों का श्राप लगा है, झुग्गी वालों का श्राप लगा है। कल मैं दिल्ली के एक कॉलोनी में घूम रहा था, संजय कॉलोनी हमारा जेजे क्लस्टर है, गोकुलपुर में स्थित है। यहां तक कि गोकुलपुर का विधायक स्वयं कह रहा है विधानसभा के फ्लोर पे, उन्हीं का विधायक, कि कम से कम हमें पीने का पानी तो दे दो। मैं तो समझता हूं प्रवीण जी इसको निकलवा लीजिए, किसी दिन उसको भी दिखाना जरूरी है। उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे ये बात कही, उनके ही साथियों ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा कि हम कैसे जाएं, गली में जाते हैं तो वो लैट्रिन का पानी निकल करके गली में जाता है, हम कैसे मुंह दिखाएं? और उसके बाद आप आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। फिर मैं समझता हूं इस नाटक का, इस ड्रामे का पर्दाफाश हो गया है। सही कहा वीरेंद्र भाई साहब ने कि जब आपको जेल से हॉस्पिटल जाना होता है तो व्हीलचेयर पर, और जब आपको
बेल से निकलते हैं तो ऐसा गाड़ी पर खड़े होते हैं जैसे लगता है आज ही वो ओलंपिक जीत के आए हो।